सो हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग के अंदर। सो गाइज, आज हम आए हैं विजिट करने के लिए ब्रह्मगिरी हिल, जिसे हम ब्रह्मगिरी पर्वत भी बोल सकते हैं। तो ऑलरेडी हमने एक दो बार ये विजिट कर लिया है और ये देख सकते हो जस्ट ये मेरे पीछे है और उसके मैं बेस पे ही खड़ा हूँ अभी। तो आज हम ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर आएंगे और उसके ऊपर जो मस्त एक ऐसा नेचर का जो व्यू है वो देखेंगे और उसके और ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जो अपना मंदिर है और यहाँ से ही अपना जो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो इसी के ऊपर से चालू होता है, तो वो भी हम सब देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाऊंगा। और अभी मैं दुर्ग भंडार के नीचे खड़ा हूँ, ये देखो। तो दुर्ग भंडार किले पे भी हम ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर से ही रास्ता है, तो अगर पॉसिबल रहता है ना तो हम इसके ऊपर आएंगे। बिकॉज क्या है कि अपना जो चट्टान के अंदर से जो सीढ़ियाँ काट के बनाए ना, उसके नीचे थोड़ी जी स्पेस है, उधर पानी भरा रहता है। तो पानी अगर भरा रहता है तो रिस्क नहीं लेंगे, बिकॉज कुछ भी उसके अंदर हो सकता है। और यहाँ से जो नज़ारे दिख रहे हैं ना, वो एक नंबर के हैं। और ये देखो, ये है अपना त्र्यंबकेश्वर का जो मेन सिटी है, वो यहाँ से पूरा दिख रहा है। तो यहाँ पे सीन का मज़ा लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं। वैसे ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है, बट कोई ना, आए थोड़ा चिल मार के ही जाएंगे, जल्दी जल्दी करके कोई मतलब नहीं है। तो नज़ारा है ये देखो, ये त्र्यंबकेश्वर सिटी पूरा, और ये पूरा त्र्यंबकेश्वर माउंट रेंज, और ये अपना दुर्ग भंडार। ये तो हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं गंगा द्वार से, गंगा द्वार के रास्ते से हम जाएंगे। ये थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है और यहाँ पे हमको कोई चार्ज भी नहीं लगने वाला है। और अगर आप लोग उधर सिटी से नीचे से जाते हैं ना, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आपको 30 रुपीज पर पर्सन जो टिकट है वो लेना पड़ता है। हम लोग जा रहे हैं अपना गंगा द्वार के रास्ते से। देखो अपना ब्रांड होंडा का एक नंबर की ऑफ रोडिंग, भाई क्या हिमालय, क्या कुछ रखा नहीं है, बस अपने ड्राइवर के पास ही गिराना चाहिए, एक नंबर जा रहे अंदर पूरा। ये देखो पूरा टायर, पर यहाँ का रास्ता देखो एक नंबर, भाई पैसा वसूल है, असली ऑफ रोडर ये गाड़ी है मैं बोलता हूँ। तो अभी यहाँ से जाना है हमको और सीधा हम पहुँचेंगे गंगा द्वार के जो रास्ता है वहाँ पे। तो हम फ्रेंड की वेट कर रहे थे और अभी ये लोग भी आ चुके हैं, अभी यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे हमने अपनी बाइक पार्क की है, ये है कुछ पार्किंग एरिया, यहाँ पे अपनी बाइक पार्क कर सकते हो। कार इधर तक नहीं आने वाली भाई, इतना कीचड़ है, कार कैसे आएगी। और ये देखो नेचुरल ब्रिज, कट। तो यहाँ से अभी हमको पैदल चलना पड़ेगा, तो यहाँ से निकलते अभी। आई लव यू मेरे कालू, चलाएगा 5 रुपये तो यही पूरे झलाता आता है, बिस्किट दिला के। यहाँ से जो अपना दोनों रास्ते वो मिलते हैं, अभी यहाँ से चलते हैं। ये देखो गंगा द्वार, यहाँ से हम लोग आए हैं और ये आप लोग जो नीचे से आते हैं वो यहाँ से, अभी चलते हैं ऊपर। ना सो गए, यहाँ से नहीं मेन जो चढ़न है यहाँ से चालू होती है। मास्टर व्यू, देखो वाटरफॉल कितने सारे, वाटरफॉल ही वाटरफॉल, जहाँ देखो वहाँ बंदर काफी है, थोड़ा केयरफुल ही नहीं तो सब कुछ ले जाएंगे। वीकेंड है ना, संडे, सो काफ़ी यहाँ पे क्राउड है आज। देखो वाह, पूरा ऊपर से आ रहा है, एक नंबर का नज़ारा। ये देखो बंदर साहब, स्वागत है। हेलो 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 हेलो, हाय, नमस्ते। फोन मैं रखता हूँ, बाद में वीडियो करूँगा, तो फोन ले लेंगे।
देखो हम मेन गेट पे पहुंच चुके हैं, वो पूरा चट्टान में काट के बनाया है। चलो आगे बढ़ो, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। एक नंबर का नजारा। सेकंड दरवाजा, ये देखो पूरी सीधी चढ़न। तो गाइस अभी हम लोग टॉप पे तो नहीं, मतलब जो मेन चढ़न है ना वो चढ़ चुके हैं। यहाँ से पूरा पूरा फॉग जम गया है, तभी इसके और ऊपर जाना है हमको। थोड़ी देर गाइस जहाँ पे तालाब है और वो देखो कितने सारे वाटरफॉल्स, बाप रे एक नंबर का व्यू। ओहो पहुंच चुके हैं, काफी तेज हवा यहाँ पे, बहुत तेज है, बहुत उड़ा ले पूरा फोगी फोगे। देख सकते हैं पूरा चारों तरफ धुर्रा ही धुर्रा। अभी हम लोग मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फोग है, बहुत ही ज्यादा, ऊपर से इतनी तेज हवा आ रही है क्या ही बोलूं, लेकिन ऊपर बहुत ज्यादा मजा है। जो बना रहा था ना उसमें बहुत मजा आया, बहुत मजा गया। इस भाई को यहाँ पे पूजा करनी है, तो इनको पूजा करने के बाद देखते हैं क्या करना है, क्योंकि नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा है, नीचे का इस पास में भी नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत फोन में दिख रहा है। मुख्य दर्शन ये है मुख्य मंदिर, और उधर अपना एक मंदिर अभी हम लोग पूरा ब्रह्मगिरी पर्वत घूम के आ गए हैं, पूरा नहीं बोल सकता बिकॉज अपना जटामंडी मंदिर हमने मिस कर दिया, और दुर्ग भंडार बिकॉज काफ़ी तेज़ बारिश आ रही थी और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, तो मैं कुछ क्लिप्स मेरे पुराने वीडियो के या फिर फोटो वगैरह ऐड कर दूंगा। और हमको जाने में करीब एक घंटा लगा होगा ऊपर, और आने में तो आधा घंटा, क्योंकि हम बहुत तेज़ उतरते हैं, हमको आदत है इसलिए। तो इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसे एक न्यू व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।